Assalamu alaikum students, I am your English teacher Kamran Zameer. So I would like to tell you that do subscribe our channel that is with the name Government College Chakri, and I'll be sharing the link in your WhatsApp group as well. And this chapter is divided into three parts. The chapter Hitchhiking Across the Sahara, which we are going to discuss, written by G.F. Lamb. I have divided this chapter into three different videos. The first video is comprised of highlights, and the other two videos, part 2 and part 3, they are covering the whole chapter. Class, last time jo video lecture tha, that was my first lecture with the students, that was based on a chapter entitled First Year at Harrow. It was written by Sir Winston S. Churchill. Theek hai, ab usi ki continuation hum dekhenge usi part ke andar. Ye hamara second lesson hai. ठीक है, हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, ऑर्डर से चल रहे हैं. सेकंड जो चैप्टर है हमारा, दैट इज हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा. इट इज रिटन बाय सर जीएफ लैम. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो बुक 2 है वहां पर ये चैप्टर कहाँ लोकेट हो रहा है. ठीक है, हियर वी सी बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि ये वाली जो बुक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज मॉडर्न प्रोज and the second part is the part that is related to heroes. ठीक है, तो हमने part 2 से start किया था अपना lesson. ठीक है, तो उसका हम एक chapter already से पढ़ चुके हैं. जो chapter क्या था, first year at Harrow. ठीक है, it was written by sir Winston S. Churchill. Now it is the continuation of the same part, heroes part, and it's the chapter number 2. अब हम chapter number 2 देख रहे हैं, heroes वाले part. ठीक है, now let us see that what is the title of the chapter. It's Hitchhiking Across the Sahara. It's written by G.F. Lamb. अब होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले we are going to dissect the title of the chapter, that is Hitchhiking Across the Sahara. अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिचहाइकिंग क्या है और सहारा क्या है. शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो कि सहारा कहां पर है. हम उसको भी लोकेट करेंगे कि सहारा कहाँ पर है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज. ठीक है, और राइटर क्यों सहारा को अपने टाइटल में यूज कर रहा है. ठीक है क्लास, हिच हाइकिंग का मतलब ये होता है, ये वो वाला हाइकिंग नहीं है जो आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, दैट्स नॉट दैट हाइकिंग. हिच हाइकिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों से आप लिफ्ट लेते हुए जब किसी जगह पे पहुंचते हैं, उसको हम हिच हाइकिंग कहते हैं. अब यहाँ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम उनको पैसे नहीं देते, हम लिफ्ट ले रहे होते हैं, और हम लिफ्ट लेते लेते अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, इसको हम हिच हाइकिंग कहते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज अक्रॉस द सहारा मतलब ये है कि जो राइटर है वो लिफ्ट लेते लेते कहां जा रहा है, सहारा जा रहा है. ठीक है, सहारा कहां पर है क्लास, सहारा अफ्रीका में है, इट्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ अफ्रीका. ठीक है, और सहारा डेजर्ट आपने सुना होगा, सहारा डेजर्ट. तो सहारा डेजर्ट इज एक्चुअली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है क्लास, आपने देखा है, आपको पता होगा इस चीज के बारे में कि हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर भी दो डेजर्ट्स हैं. ठीक है, एक हमारे पास डेजर्ट आ जाता है द डेजर्ट ऑफ चौलिस्तान. ठीक है, दैट इज इन द सबर्बियन पार्ट्स ऑफ बहावलपुर, और दूसरा जो पार्ट है डेजर्ट का वो है थरपारकर, दैट इज लोकेटेड इन सिंध एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, तो जिस डेजर्ट की हम अपने इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो डेजर्ट है सहारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. ठीक है क्लास, आपने अपने माइंड में ये डेजर्ट का कॉन्सेप्ट लाना है कि अगर आप डेजर्ट में चले जाते हैं, ये भूल भुलैया होता है. ठीक है, आप अगर एक डेजर्ट में चले गए हैं, यू डोंट हैव अ गाइड विद यू जो आपको गाइड कर सके फ्रॉम आउट ऑफ द डेजर्ट, तो आप वहां फंस जाते हैं, चाहे डेजर्ट छोटा भी हो, फंस जाते हैं. आप क्या करते हैं, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, घूमते फिरते उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ प्लेस आउट ऑफ द डेजर्ट इट्स वेरी हार्ड. ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि राइटर जाना क्यों जा रहा है सहारा. राइटर है अमेरिकन. ठीक है, इसकी आइडेंटिटी है, ही इज एन अमेरिकन मैन, और ही वॉन्ट्स टू गो टू द अफ्रीका. व्हाई, व्हाट इज द रीजन. अब हम रीजन तलाश करते हैं कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर हु बिलोंग्स टू अमेरिका, Why does he want to go to Sahara? उसका रीजन क्या है. देखिए, जब आप कोई भी काम करने लगते हैं उसके पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है. ठीक है, तो इस
इस बंदे की, रॉबर्ट क्रिस्टोफर की मोटिवेशन क्या थी, वो सहारा क्यों जाना चाहता था। एक चीज जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि ये जितने भी हीरोज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात की है सर विंस्टन एस चर्चिल की, अब हम इसमें बात करें रॉबर्ट क्रिस्टोफर की, ये तमाम चैप्टर्स जो हैं वो रियलिटी बेस्ड हैं, फिक्शनलाइज नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, हकीकत में ऐसा हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में फिर जी एफ लैम ने अपने चैप्टर हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा के अंदर मेंशन किया। ठीक है, रॉबर्ट क्रिस्टोफर एक अमेरिकन था, ठीक है, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इवेंट्स उसको सहारा ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इवेंट ये था कि जब वो बच्चा था, ठीक है, तो फॉस्टर मदर यानी कि जो रजाई माँ होती है, या जिसको आप वेस्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं मेड का, ठीक है, कुछ सर्वेंट्स रख लिए जाते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों की देखभाल करते हैं, नैनी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जो उसकी नैनी थी, जो उसकी फॉस्टर मदर थी, जब वो छोटा था तो वो बहुत शरारती था, ही यूज्ड टू बी वेरी नॉटी, तो उसकी जो फॉस्टर मदर थी वो क्या करती थी, वो ये करती थी कि वो उसको थ्रेटन करती होती थी कि अगर तुम नहीं सोओगे, अगर तुम तंग करोगे, तो आई एम गोइंग टू सेंड यू टू टिम्बकटू, मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूंगी। तो टिम्बकटू कहाँ है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, टिम्बकटू सहारा में है, टिम्बकटू इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ सहारा, सहारा के सेंटर में आ जाता है, यानी कि सहारा कहाँ पर है, मैंने पहले आपको बताया सहारा अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में सहारा के मिड में, इट इज द वेरी मिड ऑफ सहारा, इट्स टिम्बकटू, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों कहती थी, उसके पीछे रीजन है कि आपको पता है डेजर्ट, और वो भी सहारा जैसा डेजर्ट, वहां बहुत गर्मी होती है, ठीक है, लोग जो हैं वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते, विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव इन अ डेजर्ट, और अगर आपके साथ कोई गाइड नहीं है यू आर गोइंग टू डाई, ठीक है, तो इसलिए वो उसको कहती होती थी कि अगर तुम शोर मचाओगे, तुम चुप नहीं करोगे, शरारत करोगे, तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूंगी। अब कुछ बच्चों की एक यूनिक सी नेचर होती है, रॉबर्ट क्रिस्टोफर की भी यूनिक नेचर थी, उसने क्या किया, उसने बजाय इस चीज से थ्रेटन होने के, उसके जहन में एक शोक आने लगा, ही हैड अ डिजायर रनिंग इन द एक्लियंस ऑफ हिज माइंड दैट वन डे व्हेन आई विल बी ग्रोन अप आई एम गोना गो टू वेयर आई एम गोना गो टू टिम्बकटू दैट इज द सेंटर ऑफ सहारा डेजर्ट I should be writing it. Sahara is a desert. ठीक है, तो होता क्या है कि वो अमेरिका से पहुंचता है अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीका जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहां से अपना सफर स्टार्ट करता है। He starts his journey, he sets his journey from the northern part, the very start of Africa, to the center of Sahara. और वो कैसे जाता है, मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में आप लोगों को यह बताया कि वो हिच हाइकिंग करते हुए सहारा पहुंचता है। हिच हाइकिंग का मतलब होता है कि जब आप दूसरे लोगों से लिफ्ट लेते लेते आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आपने पैसे नहीं देने होते, आपने लिफ्ट लेनी होती है और आपने पहुंचना होता है। लेकिन क्लास अब आप लोग ये देखें कि इसका सफर देखें, सफर कितना ज्यादा है, यहां से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यानी कि यूएस, यूएसए, यहां से आप, मैं आई डोंट हैव द मैप बट मैं आपको लोकेट करके बता रहा हूं, ठीक है, ये आप कह लें अफ्रीका, दीज आर टोटली टू डिफरेंट वर्ड्स, अफ्रीका इज द बैक ऑफ बियॉन्ड, बहुत दूर है, ठीक है, यहां से बाय प्लेन वो सफर करते 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 एट द आइल ऑफ अफ्रीका पहुंचता है, नॉर्दर्न साइड ऑफ अफ्रीका। अब यहां से उसने क्या करना है, यहां से उसने हिच हाइकिंग करते हुए सहारा के मिड में पहुंचना है, जो कि क्या है, टिम्बकटू जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका मिड, ये तो आप देख लें कि इसका सफर कितना ज्यादा है, इसकी जर्नी देखें और कितनी इसको स्ट्रगल करनी होगी यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ही हैज टू हिच हाइक। और आपको पता है क्लास के जब आप किसी डेजर्ट में सफर कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां तक रोड होता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रोड नहीं होता, ठीक है, कोई रोड नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पे आप सफर कर सकें, तो फिर आपको किस तरह सफर करना पड़ता है, आपको ऊंट पे सफर करना पड़ता है। हाँ, अब हम देखते हैं कि वो यूएसए से कहां पर पहुंचता है, टिम्बकटू पहुंचता है, लेकिन जो उसका पहुंचने का तरीका है वो हिच हाइकिंग है, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने लिफ्ट लेते लेते वहां पर पहुंचना है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि डेजर्ट्स के एरियाज के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको ट्रैवलिंग जो है वो ऊंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लास इस पूरे लेसन से मैं आपको रीडिंग कराऊंगा, फिर आपको एट लेंथ मैं आपको चीजों का एक्सप्लेन करूंगा
लेकिन इस पूरे चैप्टर से आपको क्या मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करते हो तो क्या होता है, आप उस चीज को अचीव कर लेते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रीडिंग सेशन की तरफ। ठीक है, वहां मैं आपको बिट बाय बिट एक्सप्लेन करूंगा उसकी पूरी स्ट्रगल, वो कैसे वहां पर पहुंचा, क्या चीजें थी जिन्होंने इसको मोटिवेट किया। अभी तो मैंने सिर्फ आपको हाइलाइट्स दिए हैं, अब मैं आपको एट लेंथ जो है एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्रिस्टोफर मोटिवेट होता है टिम्बकटू जाने के लिए और वो कब जाता है। ठीक है, तो अब हम लास्ट, आप लोग सब लोग अपनी बुक्स निकाल लें। ठीक है, बुक्स निकालें, चैप्टर निकालें, हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा रिटन बाय सर जी एफ लैम।